वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुप्ता के विडियोस। मैं नीन गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। जब तक मार्केट ऊपर जा रहा था लोग टिप्स ले रहे थे, मतलब कि मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था। काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट कमाए, लगभग 1.5 महीने पहले की बात है। तब किसी ने मैसेज करके ये नहीं कहा कि गुप्ता जी मेरा इतना प्रॉफिट हो चुका है, अब बताइए क्या करूँ। कुछ लोग थे जो जिनका मेरे से पहले से रिलेशन 2-3 साल से था, जो नए लोग थे जिन्होंने लिया कहा सर मज़ा आ गया, एक दिन में 8%, एक दिन में 5%, इतना प्रॉफिट कमा लिया हूँ, मज़ा आ रहा है। अब जब मार्केट गिर रही है तो प्रॉफिट के समय किसी ने नहीं याद किया, अब जब मार्केट गिर रही है तो सब याद कर रहे हैं, गुप्ता जी क्या प्रॉब्लम चल रहा है, मार्केट क्यों गिर रहा है, क्या करूँ, निकल जाऊँ, रहूँ, होल्ड करूँ। देखो इस वीडियो में मैं आपको 3 रीज़न बता देता हूँ मार्केट क्यों गिर रहा है, इसका क्या सलूशन होगा, रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, वो आगे वीडियो में डिटेल से बताऊँगा। पहले रीज़न तो पता कर लो, थोड़ा खुद एनालिसिस करो। मैं चाहूँ तो इसी वीडियो में आपको डिटेल से बता दूँ कि इस रीज़न गिर रहा है तो इसका क्या हो सकता है, कि कैसे इससे बाहर निकला जा सकता है। बट सेल्फ एनालिसिस करोगे तब सीखोगे यार, क्योंकि जब तक खुद नहीं सीखोगे तब तक स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते हो, ये बात ध्यान रखना। तो पहला रीज़न तो ये है, US का 10-ईयर यील्ड लगभग 5% जाने वाला है और ये बहुत बड़ी बात है। 10-ईयर कंप्यूटर है इस समय 4.823% चल रहा है और लगभग 4.84 पर बंद हुआ है, अब 5% की ओर ये अग्रसर है। तो इसलिए अमेरिका का मार्केट टूट रहा है, और जब अमेरिका का मार्केट टूटता है यार तो सबसे बड़ी बात है कि जब US को जुकाम होता है तो पूरे वर्ल्ड को छींक आने लगती है, जुकाम सबको हो जाता है, ठीक है। तो यही रीज़न है सबसे बड़ा। दूसरी वजह ये है जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है, फिलिस्तीन, इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है उसके वजह से भी मार्केट स्लोली डाउन हो रहा है, क्योंकि भारत के मार्केट पर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, भारत उतना उसमें इंक्लूडेड नहीं है, जबकि रसिया और यूक्रेन वाले में भारत पूरी तरह इंक्लूडेड था। 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट थे, बहुत सारे रसिया के साथ डील थी, जितने सैंक्शन लग रहे थे भारत पे इम्पैक्ट पड़ रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी, इसलिए उस समय मार्केट ज़्यादा डाउन हुआ था। लेकिन अब युद्ध जितना लंबा खींचेगा उतना मार्केट डाउन होना तय रहेगा। तीसरा जो रिजल्ट आया है अल्फाबेट का, बाप रे बाप, 9.51% का डाउन वन डे। स्टॉक मार्केट में अल्फाबेट का सबसे बड़ी गिरावट है ये, जब कोविड के बाद 2020 के बाद से जब मार्केट ऊपर गया है उसके बाद से सबसे ज़्यादा गिरावट रहने वाली है। तो मार्केट में अभी चल ही रहा है, अमेरिका का मार्केट संभला नहीं है, 3 साल से लगभग संभला नहीं है, थोड़ा बहुत करेक्शन हुए हैं, पॉजिटिव नोट पे गया है, बट फिर से ये अब इसका 17 नवंबर तक का टेन्योर है वो भी कम्प्लीट होने वाला है, तो उसमें भी मार्केट अभी और गिरेगा। तो जितने लोग सोच रहे हैं दिवाली पर गिफ्ट मिलेगा, गिफ्ट कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, ये टाइम है आपको अपने स्टॉक्स को एवरेज करने का, जिनका बहुत ज़्यादा लॉस चल रहा है, जिन्होंने बहुत हाई प्राइस पे लेकर रखा है, अब बहुत लो चल रहा है। जैसे मान के चलिए 300 का स्टॉक आपने लिया है, 220, 230 चल रहा है, 200 चल रहा है, तो 100 स्टॉक आपने लिया है तो 20-20, 25-25 स्टॉक 20%, 30% पैसा और इन्वेस्ट करो। ये इन्वेस्टमेंट का टाइम है, प्रॉफिट लेने का टाइम पिछले महीने था, खूब कमाए आप लोगों ने, जो उस समय जिन्होंने सोचा कि अब मैं लगा दूं प्रॉफिट कमा लूंगा तो वो इस समय लॉस में आ रहे हैं। मार्केट का नियम है यार, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, ये डाउन है, डाउन का मतलब होता है पैसे मार्केट में कम डालने पड़ेंगे, आपको मार्केट में डालने पड़ेंगे। जैसे अल्फाबेट का एकदम लॉस चल रहा है, बहुत सारे लोग बहुत सारे स्टॉक्स में लॉस खा रहे हैं, तो लॉस अभी चलता ही जाएगा, लॉस होगा ही, 17 नवंबर तक लॉस होगा, जब तक US बैंक, फेडरल बैंक जब तक कोई अपना डिफाइन एक निश्चय नहीं कर लेती कि कैसे इन सब चीज़ों से बाहर निकला जाएगा, क्योंकि US बाप है सब स्टॉक मार्केट का, तो उसको देखते हुए चलो। बाकी ये US का 10-ईयर हो गया, यील्ड हो गया, मिडिल ईस्ट का जो अभी युद्ध चल रहा है, और ये क्या नाम है अल्फाबेट का जो आया, ये 3 मेन रीज़न है जिसके वजह से मार्केट डाउन है। अब जब तक वजह मार्केट को ये नहीं मिलती कि मार्केट ऊपर क्यों जाए, कोई एक गुड न्यूज़ आनी चाहिए ना, उस गुड न्यूज़ का इंतज़ार करिए, पैसा रखे रहिएगा। गुड न्यूज़ आती है जैसे अभी डाउन चलेगा, अभी और डाउन जाएगा, लेकिन पैसा रखे रहिए। जैसे ही आपको पता चलता है गुड न्यूज़ आ चुकी है, मैं सोच रहा हूँ कि वीडियोज़ वगैरह बनाते रहूँ, बस इसमें टाइम लग जाता है यार थोड़ा सा, तो वीडियो बनाना, सेटअप बनाना, इससे अच्छा अपना उधर कमा लो, लेकिन पैसा रखे रहो, एवरेज अभी मत करना, नो इन्वेस्टमेंट। जो निकलने के लिए सोच रहे हैं आप, लॉस बुकिंग करके निकल सकते हो, बट
निकलना इज द नॉट सोल्यूशन नहीं है, एवरेज करना इज सोल्यूशन है। एवरेज कर तो पैसा आप रखे रहो और भी आप अपने पास रखो, जैसे ही कोई गुड न्यूज मिलती है, अभी तो बैड न्यूज सारी मिल रही है, जैसे ही गुड न्यूज मिलती है वैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थोड़ा सा अपडेट आप लोगों को दे दिया हूँ। सोच रहा हूँ कि लगभग लगभग डेली एक वीडियो डालता रहूँ जिससे आप लोगों को पता चले कि प्रॉफिट कैसे कमाया जा सकता है। 500 रुपये इन्वेस्ट करके 50 रुपये प्रॉफिट कमाना ये चीज़ नहीं है, पैसा आपको लगाना पड़ेगा, प्रॉफिट बुकिंग लेना पड़ेगा। जब तक आप लोग लॉस लेना नहीं सीखेंगे तब तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर सकते हैं। 100% प्रॉफिट में आज तक कोई नहीं रहा है, चाहे जितने बड़े ट्रेडर रहे हों चाहे जितने बड़े इन्वेस्टर रहे हों, उनको लॉस हुआ है किसी न किसी स्टॉक में। इसीलिए जो आपका पोर्टफोलियो होता है उसको डाइवर्सिफाई करके रखो, गोल्ड में भी इन्वेस्ट करो और आप इलेक्ट्रिकल में इन्वेस्ट करो, AI में करो, हर जगह करो यार इन्वेस्टमेंट। एक ही जगह पूरा पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जितने स्टॉक होंगे 10-10% सभी में पैसा फंसते हुए चले जाओ और फिर उनको बढ़ाते हुए चले जाओ, ये करो। बाकी आज के लिए बस इतना ही, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करो यार, आपके कमेंट आते हैं तो मज़ा आता है। लास्ट वीडियो मैंने बनाई, कमेंट वगैरह नहीं है तो क्या फ़ायदा, 100 लोगों तक वीडियो नहीं पहुंची। ठीक है, थैंक यू गाइस।